morning everyone and welcome to my channel. This is the second day of this tour of the Statue of Unity, and here the beautiful sunrise is happening. You can see this बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से, और ये आप सनराइज को देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सनराइज हो रहा है। और हम वही फार्म के बीच रह रहे हैं अभी यहाँ पे, और बस अभी जाने की पूरी तैयारियाँ है वो हो चुकी हैं। ऑनलाइन टिकट करवाने की है वहाँ पे जाने के लिए, आपको पूरी की पूरी जो टिकट्स जो है वो ऑनलाइन करवानी रहती है। तो अभी लेट्स डू ऑनलाइन टिकट, एंड यू नो अभी आपको आगे का पूरा हाल बता दें। चाय की तलब है तो चाय पियेंगे, और आप देख सकते हैं कल मैंने शायद आपको बताया था ये पूरा जो है वो सब जो है वो मैंगो ट्री है। ओके सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपने पास अभी चाय कॉफ़ी और ये सो डिलीशियस, मतलब खाने से पहले अपने पास आ गए हैं बटाटा पोहा। और हमारे मतलब कैसा होता है कि गुजरात का जो पोहा है वो अलग होता है टेस्ट में। अमेजिंग, नींबू का थोड़ा तड़का मारना पड़ेगा बाकी सही है। और ये हमारे पास है चाय, बहुत गर्म, अदरक मार के वहाँ बहुत मस्त है। एक और दे दीजिए, दो और दे दीजिए। थैंक यू सो मच मितेश फॉर हेल्पिंग अस इन बुकिंग द टिकट, क्योंकि अभी जो जो प्रॉब्लम हुआ था जहाँ पे टिकट के जो पैसे हैं वो कट चुके थे, लेकिन जो टिकट है वो डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो उसके लिए तो मेरे को आई थिंक यू नो रिफंड रिक्वेस्ट डालना ही पड़ेगा। लेकिन यू नो उसके बाद फिर से टिकट बुक की तो दिखा रहा था कि योर टिकट इज़ इन प्रोसेसिंग, तो उसकी वजह से भी फिर से प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये मितेश भाई की वजह से अभी फाइनली टिकट बुक हो चुकी है अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो ऑब्वियसली स्टैच्यू जो है वो मेरे एग्जैक्ट सामने है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको अंदर जाके अच्छी तरीके से व्यू दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको ये पूरा केवड़िया जो है और यहाँ का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका आपको टूर कराऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे आके, और हर एक चीज़ों का कितना प्राइस लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कंसिड्रेशन जो है वो मोस्ट है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि कोई सस्ता होगा तो वो सस्ता नहीं रहने वाला है। तो लेट जस्ट गो इनसाइड, अभी बहुत लंबी लाइन है, आप देख सकते हो ऑलरेडी नमो को और श्यामादी को हमने बोल दिया है कि आपको लाइन में खड़े रहना है और वेट करना है। तो लेट जस्ट गो एंड वहाँ अंदर जाके नज़ारा देखते। तो फाइनली हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ चुके हैं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये जो शेड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा रहती है। और पूरा मस्त
ये मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हो, कितना अच्छी तरीके से ये पूरा पीछे का व्यू जो है वो दिखता है। हम यहाँ से जो है वो एंट्री करके आए हैं, और यहाँ से हमने एंट्री किया और यहाँ पे आपको पूरा व्यू जो है वो दिखता है आपको। मैं स्टैच्यू नहीं दिखाऊंगा आपको दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाऊंगा ज़ोरों से। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, और ये जो चीज़ है वो आप पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये जो सॉइल ऑफ नेशन एंड सॉल ऑफ नेशन का जो थियोरी है वो भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सिंबल वो है, और यहाँ पे वॉल ऑफ यूनिटी के कुछ और चीज़ें जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर लिखी हुई है, जो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो एकता क्रूज़, मतलब जो क्रूज़ की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होती है, वो भी हम ट्राई करेंगे शायद हम कर सकें। तो यहाँ पे एकता क्रूज़ है जिसकी जर्नी आप कर सकते हो, और यहाँ से अभी हमें अंदर जाने का है। सो लेट्स गो इनसाइड। वेलकम टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो वेलकम टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू। आप सभी को पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज अ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू विद द हाइट ऑफ अबाउट 182 meters। तो 182 मीटर्स जो है हमने किस लेवल से कैलकुलेट कर रखा है, वो हमने रोड लेवल से कैलकुलेट कर रखा है। फ्रॉम द फीट ऑफ द स्टैचू इट्स अबाउट 157 meters, एंड फ्रॉम द रिवर बेड मेजरमेंट इट्स अबाउट 240 meters। तो हमने इस लेवल से क्यों कैलकुलेट कर रखा है कि जितने भी वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है उनका एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रहा है कि वो हमेशा रोड लेवल से कैलकुलेट करे जाते हैं। इसी वजह से हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट इस लेवल से कैलकुलेट कर रखी है। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण है वो हमने नर्मदा रिवर के बीचों बीच आया हुआ साधु बेट नाइन की जगह पे हमने किया हुआ है। ये जो पूरा स्टैचू है ये तीन मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है वो उनके पैरों के नीचे जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हो वो म्यूजियम है। सेकंड उनके फीट पे कवर होता है कि जहाँ से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को बाहर से देख सकते हो। और थर्ड जो है वो उनके सेकंड बटन के एग्जैक्ट नीचे गैलरी पे जाने के लिए हमारे पास दोनों पैरों में एक एक लिफ्ट इनकॉर्पोरेटेड है। सामने की जो माउंटेन रेंजेस आप देख रहे हो वो विंध्याचल की पर्वतमाला है। थैंक यू सो मच। सो दिस इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा पूरा स्टैचू जो है वो। और बस हम यहाँ पे जा रहे हैं नीचे, नीचे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जाएंगे। अभी क्या है कि हम चल रहे तो
ज़्यादा जोर कहेंगे, सो लेट्स जस्ट गो देयर एंड फिर उसके बाद बात करते हैं। पर्वतमाला का पूरा व्यू जो है वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला व्यू है। और ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये जो है वो है क्रूज, जहाँ क्रूज की जो जर्नी है वो आप कर सकते हो। और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ। यहाँ पे अगर आपको चलने का तकलीफ है नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव द एलिवेटर ओवर हियर, जहाँ पे एलिवेटर से आप क्या है कि बस खड़े रहो और आप चलते जाओगे नज़ारे लेते लेते। चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ पे ये म्यूज़ियम में सबसे पहला जो पीस है रूल लिखा हुआ है, और वो नरेंद्र मोदी सर जो हमारे पीएम हैं उनका फीडबैक है। ऑफ द इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो ये म्यूज़ियम है उसके अंदर हम आ चुके हैं, और अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि ये म्यूज़ियम में क्या क्या इंफॉर्मेशन और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें फाइंड आउट होती है। लेट्स जस्ट गो इन, वहाँ पे हमें बहुत सारा गाइड मिल पाएगा, तो लेट्स जस्ट गो इन एंड देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिलती है। लोहा कैंपेन हुआ था तो ऑल इंडिया के सभी किसानों ने डोनेट किया था। सबसे पहला जो लोहा आया था वो झारखंड के एक खेत में डोनेट किया था सर, आप उस टेबल में देख सकते हैं। ओके, तो अभी श्यामा जी हमें बताएंगे कि ये जो स्क्रीन है वो स्क्रीन को के अंदर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल सकती है। सो ये पूरी फुली टच स्क्रीन है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट क्या क्या है, स्थान, संदान, साझा सरोकार, संन्यास, त्रिकी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबका स्थान, सबका विकास, तो ये सारे ऑप्शंस है। हम सोच पे क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की सोच कैसे आई। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखना ये वाला बोर्ड होगा मेकिंग ऑफ द स्टैचू, और यहाँ से वो है थिएटर, और थिएटर के अंदर हम जाके हम उसका पूरा रिव्यू देखेंगे। The legacy of Sardar continues to guide and inspire us. The nation pays tribute to his memory by celebrating his birthday, 31st October, as the Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, and erecting the Statue of Unity, which stands as a testimony to this great national leader. So, ये पूरी आप जो म्यूजियम है उसका पूरा नज़ारा ले सकते हो। बहुत टाइम चाहिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने में और कवर करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा ये पूरा बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हो ये पूरा गेट अलग टाइप का बनाया हुआ है, और पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है, और यहाँ पे मैप वाइज इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे है हमारे पास जो एक बुक है, वो बुक के अंदर भी आपको पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे बुक के द्वारा आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, और यस आपको जगह जगह पर स्क्रीन मिल जाएगी जहाँ पे स्क्रीन पे से आप पूरा जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर कर सकते हो। हम यहाँ पे होम स्क्रीन में जाते पूरा जो एक अलग ही वे में पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट किया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, हम अभी ये म्यूज़ियम में बैठे हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ।
आपको जब भी आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी आना है, सबसे पहले आप स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफिशियल की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर दीजिए, और दूसरा आप sou tickets.com पे जाके भी आप बुक करवा सकते हो। आपके पास अगर बुकिंग होगा तो सैटरडे संडे होगा या कोई भी दिन होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एडवांस में ही बुकिंग कर लीजिए। और बुकिंग करने के बाद जब आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे अगर मान लो कि रेलवे से आते हो या सी प्लेन से आते हो या कहीं से भी आते हो, तो केवड़िया से आपको जगह जगह पर जो बस है, बस का जो सर्विस है वो आपको मिल जाएगा विद इन 50 रुपीज़ के अंदर। और 50 रुपीज़ में वो सर्विस लेके फिर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो टूर है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री गाइडेड टूर भी अवेलेबल है, सो वो आप ग्रुप के साथ एक ग्रुप बना के एक फ्री गाइडेड टूर है वो भी आप ले सकते हैं। अभी आपको जब स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए दो तरीके का है। पहला तो एक जनरल एंट्री है जहाँ पे आप म्यूजियम और बार का जो है वो देख सकते हो, और दूसरा जो है वो है आप व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हो जो ऊपर तक जाएगी लिफ्ट के साथ, और वहाँ से आप नज़ारा जो है वो भी आप देख सकते हो। और उसके अंदर आपको एक्सप्रेस विजिट भी है, तो आपको अगर लाइन को स्किप करनी है, आपको जल्दी से एक्सप्रेस पे जाना है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। आपको वो सब कुछ वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहाँ से आप वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके हिसाब से ट्रैवल कर सकते हो। हम जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी जो है वहाँ पे जाने वाले, और यहाँ पे जो आप लाइन जो है वो देख सकते हो, बहुत लंबी वाली लाइन है। अलग अलग लिफ्ट है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, वहाँ से हम एंट्री करते आएंगे, और एंट्री करने के बाद आपको आप वहाँ पर जा सकते हो।